आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज पर अकोला की टॉप 10 न्यूज। पावर बाय विदर्भ का सबसे बड़ा फर्नीचर मॉल MR फर्नीचर मॉल। यहां होम, स्कूल, हॉस्पिटल, सभी प्रकार की दुकान के कस्टमाइज फर्नीचर MR फर्नीचर मॉल में बना कर दिए जाते हैं। पता MIDC नंबर 4, प्लॉट नंबर 76, कुम्भारी रोड, अकोला। बुलढाणा जिले में कोतवाल पद के लिए लिखित परीक्षा रविवार 22 अक्टूबर को शहर के 14 केंद्रों पर दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें स्थानीय चिखली रोड स्थित सहकार विद्या मंदिर के परीक्षा केंद्र पर पर्यवेक्षक द्वारा एक फर्जी परीक्षार्थी को मोबाइल फोन के साथ पकड़ने के बाद हड़कंप मच गया। जिले की बालापुर तहसील में बिजली तारों की बढ़ती चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए तार चुराने वाले तथा चोरी का माल खरीदने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने में पुलिस की अपराध शाखा को कामयाबी मिली है। दबोचे गए गिरोह के 11 सदस्यों से लगभग 9 लाख रुपए का माल बरामद हुआ है। अकोला गायगांव रेल मार्ग पर नायगांव के समीप रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरने वाले तारों में से 2 तार के टूटने की घटना शनिवार की देर शाम हुई। तार टूटने के कारण पुरी अहमदाबाद एक्सप्रेस सहित अमरावती पुणे एक्सप्रेस और गोंदिया मुंबई विदर्भ एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से लगभग 3 घंटा देरी से रवाना की गई। नई पीढ़ी को अन्याय के खिलाफ लड़ने का संदेश देने के लिए तापड़िया नगर युवा शक्ति नवदुर्गा मंडल पूर्व पार्षद सागर शेगोकार मित्र परिवार की ओर से पिछले 22 वर्षों की तरह इस वर्ष भी बुधवार 24 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे 51 फीट ऊंचे रावण के प्रतीकात्मक पुतले का दहन रिमोट कंट्रोल से किया जाएगा। दशहरा सहित दिवाली के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जिले के किसान अपना सोयाबीन बेचने के लिए अकोला की कृषि उपज मंडी पहुँच रहे हैं। यही वजह है कि इन दिनों कृषि उपज मंडी में सोयाबीन की आवक काफी बढ़ गई है। पिछले 120 वर्ष के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि रविवार को छुट्टी के दिन भी मंडी को खुला रखना पड़ा था। को स्पॉन्सर बाय मानव मोटर्स गीता नगर अकोला। बालापुर तहसील के ग्राम वाडेगांव में प्रतिबंधित तथा अवैध कत्ल के लिए बांध कर 8 गोवंश रखे गए है, इसी गोपनीय जानकारी लोकल क्राइम ब्रांच की टीम को मिली, जिसके बाद LCB के कर्मचारियों ने छापामार कार्रवाई कर सभी गोवंशों को छुड़ा लिया। वही आरोपी को विविध धाराओं के तहत ताबे में लिया। विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी की ओर से अकोला में महिषासुर मर्दनी व धर्म शस्त्र का पूजन कर अकोला विभाग का शौर्य संचलन 21 अक्टूबर को सुबह 11 बजे श्री राजराजेश्वर मंदिर से प्रारंभ किया गया। जय हिंद चौक, सिटी कोतवाली, गांधी चौक, वसंत टॉकीज, रिज व माता मंदिर के सामने के रानी सती धाम में शौर्य संचलन का समापन किया गया। जिले में 3,12,000 उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर और 9.165 को मोटर लगने के लिए कुल 330 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वास्तव में अब काम शुरू हो रहा है। जिले में बिजली वितरण प्रणाली में बिजली के तान को कम करने के साथ साथ कृषि और पराई भूमि के करण के लिए लगभग 299 रुपए मंजूर किए गए हैं। जिले की पातुर तहसील में स्थित एक छोटा सा गांव है सांगोला, जो एक अपवाद के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि इस गांव में दशहरे पर रावण की पूजा की जाती है। रावण को महान विद्वान के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही यहां स्थापित रावण की प्रतिमा इस गांव की विशेषता होने के साथ साथ पूजा स्थल भी है। बारशीटाकाली तालुका के चिंचोली में पहाड़ पर स्थित आदिशक्ति रुद्रायणी माता मंदिर में नवरात्रि के अवसर पर भक्तों की भीड़ बढ़ गई है। राज्य के कोने कोने से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में आकर्षक विद्युत रोशनाई की गई है, जिसको ड्रोन के माध्यम से रिकॉर्ड किया है विजय कोकाटे जी ने। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज की टॉप 10 न्यूज। जिले से जुड़ी सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज के ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहें। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।